अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 8, एक्सरसाइज 8.9 है। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 करेंगे, पार्ट 4 का इसका। तो इसके तीन पार्ट्स मैंने कर दिए थे, यानी 12 क्वेश्चन तक मैंने कर लिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको अच्छे तरीके से देख लें, फार्मूलाज वगैरह आ जाएंगे उसमें। फैक्टोराइज द फॉलोइंग, फैक्टोराइज करना है फॉलो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे ट्वाइस जो बनेगा वो बनेगा माइनस का ट्वाइस। अब ये कंडीशन हमने देखनी है कि ये कंप्लीट द स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका भी स्क्वायर रूट बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट बन रहा है 3 AT, मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 7S। अब मल्टीप्लाई कर देखें, मिडल टर्म बन रहा है या नहीं बन रहा। 3 7 21 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 हो जाएगा। ATS बिल्कुल बन रहा है, तो ये कंप्लीट द कंप्लीट द स्क्वायर फैक्टर है। तो ये ए स्क्वायर होता है, यानी आप 3 AT इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, तो बी हमारा हो जाएगा ये 7S, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो अभी हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AB एंड प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट आ गई, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए हमारे पास क्या है, 3 AT माइनस बी हमारे पास क्या है, 7S, तो ये हो गया होल स्क्वायर। तो अब इसको दो ब्रैकेट्स बना देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट दो टाइम है। 3 AT माइनस 7S, और दूसरी ब्रैकेट भी यही बनाएंगे, 3 AT माइनस 7S, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह ये पहला किया है। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 2 सेटिंग करेंगे इसका। देखें, इसका बनेगा 2A² मल्टीप्लाई 9 का निकलेगा यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई करके देखें ये माइनस 12A² बन रहा है, तो ये 2 3 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12A² बिल्कुल कंप्लीट है हमारे पास। तो इसको 2A² इसको होल स्क्वायर करेंगे, देखें ये 4A^4 बिल्कुल सेम रहेगा, एंड प्लस इसको 3 होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 9 का 9 बन जाएगा। ठीक, तो कंडीशन हमारी कंप्लीट है। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो मौजूद है, कौन सा, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2AB एंड ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं, ए हमारे पास है 2A² एंड माइनस ये बी हमारे पास है 3 होल स्क्वायर। अब इसके दो ब्रैकेट्स बना देंगे, 2A² माइनस 3 एंड 2A² माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखें लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, इसका मतलब है कि कामन मौजूद है। तो पहले कामन निकाल देंगे, इसका कामन क्या निकल रहा है, कामन 2 निकल रहा है, तो 2 कामन निकाल देंगे, तो इस 25 टाइम जाएगी यहाँ पे p² q² माइनस 2 की टेबल यहाँ पे 35 टाइम जाएगी p q एंड r, प्लस 2 की टेबल यहाँ पे 49 टाइम जाएगी r² अब देखें स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका भी निकल रहा है, इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है। तो अब ये 2 रख देंगे और मीटर पर दे देंगे, यहाँ सेटिंग करते हैं ताकि हमें पता चले माइनस 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है 5 PQ, क्योंकि p² q² का भी स्क्वायर रूट PQ निकलेगा, एंड मल्टीप्लाई अब देखें इसका भी स्क्वायर रूट 7R निकलेगा। अब देखें मल्टीप्लाई करके देखें ये बन रहा है 5 7, ये 5 7 35 हो गया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
तो ये 70 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 35 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रकम जो है 140 होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 140 होना चाहिए। तो टू जब कामन निकाला तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। तो ये रकम है मेरे पास जो बुक है उसमें मिस्टेक है, आपके बुक में हो सकता है 140 हो, लेकिन मेरे पास जो इंग्लिश मीडियम का बुक है ये 2 साल पुराना है, नए एडिशन में हो सकता है वो गलती दुरुस्त हो गई हो। तो अब यहाँ पे ये देखें कंप्लीट हो गया, तो ये 5PQ इसको होल स्क्वायर कर देंगे एंड प्लस यहाँ पे 7R को यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, मिडल ब्रैकेट बंद कर दें। तो ये हमें पता है फार्मूला कि a माइनस बी ये होल स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AB एंड प्लस ये बी स्क्वायर है, और तो यहाँ पे ये 2 का 2 रहेगा, और यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास कंप्लीट है। तो ये 5PQ एंड माइनस 7R इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 मरतबा लिखी जाएगी रकम जिस तरह करते हुए आ रहे हैं, 5PQ माइनस 7R, दूसरी ब्रैकेट में भी यही 5PQR एंड माइनस 7R। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल बुक में भी यही आंसर है। तो ये था, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।